आज मैं बना रही हूँ मार्बल केक। ये बहुत आसानी से आप घर पर बना पाएंगे कढ़ाई में बिना कोई माइक्रोवेवन के, और बहुत सॉफ्ट बनता है। नमस्कार, भूमिज किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैं ले रही हूँ तेल 3/4 कप, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम लेना है, और इसमें चीनी लेना है 1 कप। ये देखिए, मैं सेम कप के मेजरमेंट में सभी चीज़ें ले रही हूँ, और उसी कप में आपको 2 कप मैदा लेना है। इसमें मैं डालूंगी बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर भी हमें लेना है 1 टीस्पून। अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं है आपके पास तो इनो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला देना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस 2 टीस्पून। इसमें दूध डालना है 1 कप। जिस कप में मैंने मैदा और चीनी लिया है उसी कप में 1 कप दूध चाहिए हमें। तो धीरे धीरे करते इसको मिलाएंगे। दूध जो है आपको ठंडा दूध लेना है, मतलब बॉयल करके इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद ही इस्तेमाल करें, गर्म दूध बिल्कुल भी ना लें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए मिलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल गांठे वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद हम इस बैटर को 2 हिस्सों में बांट लेंगे, और 1 हिस्से में जो है 2 बड़े चम्मच जो है 2 टेबलस्पून इसमें कोकोआ पाउडर डालेंगे, और इसको स्ट्रेनर में छान लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जैसे गांठे वगैरह रहे तो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको बैटर में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें हमने कोकोआ पाउडर डाला है तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसलिए हमें 1/4 जो कप है इसमें हम दूध डालेंगे। ये देखिए, ऐसे कंसिस्टेंसी में आपका घोल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद एक केक टिन ले लीजिए, और इसमें अच्छे से तेल ग्रीस कर लेना है 1 चम्मच। आप अगर सेम इसी मेजरमेंट में बनाएंगे तो आपका केक भी परफेक्ट बनेगा, तो मेजरमेंट का ध्यान अच्छे से रखें। तो इसके बाद जो केक टिन है इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। इसके बाद ग्रीस प्रूफ ऑयल जो पेपर है इसको डाल देंगे, और इसके ऊपर से भी तेल लगा देंगे थोड़ा सा। और हम मार्बल केक बना रहे हैं तो हम लेयरिंग करके डालेंगे। पहले मैंने चॉकलेट का डाल दिया है, पहले चॉकलेट वाला लेयर डालेंगे, उसके बाद ये जो प्लेन वाला है वनीला वाला ये वाला डालेंगे। तो आप कोई भी प्लेन वाला भी पहले डाल सकते हैं, या फिर चॉकलेट उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इसी तरह से एक के ऊपर एक थोड़ा थोड़ा करते हुए, एक एक चम्मच डालते हुए हमें लेयरिंग कर लेना है। तो जितना आपका बैटर है उसी तरीके से एक एक चम्मच डालते हुए सभी बैटर को डाल लें। अभी देखिए, इसी तरह से पूरा लेयरिंग कर लिया है मैंने, और इसको थोड़ा सा टैप कर लें ताकि जितना भी एयर वगैरह रहे उसमें से निकल जाए। उसके बाद इसके ऊपर एक डिजाइन बना देंगे हम इस तरीके से, तो ये जो है बेक होने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके से आपको एक डिजाइन बना लेना है। अभी रेडी है ये बेक करने के लिए, तो हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया है, तो 10 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। और इसमें आपका कुकर का जो स्टैंड है या फिर
और एक जो स्टील का स्टैंड आता है उसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको बेक करेंगे, कम से कम 30 मिनट तक बेक करेंगे इसको, और स्लो मीडियम फ्लेम में, स्लो फ्लेम में करना है। और यहाँ अगर छेद है तो इसको टिश्यू पेपर से ढक लीजिए। 30 मिनट के बाद मैं खोल के देख रही हूँ, अभी चेक करके देखिए आप, अगर आपका जो टूथपिक है या फिर छुरी है तो साफ निकल आए तो केक आपका रेडी है, वरना और थोड़ी से 5 मिनट तक आप इसको पका सकते हैं। और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद ही इसको निकालें, तुरंत गर्म गर्म ना निकालें। गर्म गर्म निकालेंगे तो ये टूट सकता है, तो इसीलिए 10-15 मिनट ठंडा होने के बाद मैं इसको डिमोल्ट कर रही हूँ। तो केक हमारा देखिए एकदम परफेक्ट बना है। इसके बाद जो पेपर दिया हुआ था इसको हम निकाल देंगे। देखिए कितना अच्छा परफेक्ट सॉफ्ट स्पंजी बना है हमारा जेवरा केक, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट था और बहुत टेस्टी लगा ये वाला। आप ज़रूर बना करके देखिए, बहुत आसानी से आपको टोटल टाइम जो है 40 मिनट तक लग सकता है। देखिए कितना स्पंजी सॉफ्ट, और बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसको खाने के लिए। ज़रूर एक बार बना के देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।